हेलो एवरी वन वेलकम अगेन स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन विच इज़ द मेन टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यू नो द फॉरवर्ड ऑपरेशन बैकवर्ड ऑपरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर एंड न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मूला तो ये सारे फार्मूले आई होप आप जानते हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल एज़ हायर मैथमेटिक्स में एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो आपने Uh, मैंने आपको बताई फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर और न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड फार्मूला क्योंकि उन्हीं का यूज़ करके हम आगे इनमें डेरीवेशनस भी करेंगे और कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मेरे डेफिनेशन पे आते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्यूएटिंग अ डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम अ सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रेंड एफेक्ट्स विच इज नॉट नोन विच इज नॉट नोन मीन्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको ना पता हो अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू भी पहले से पता है तो फिर हम इंटीग्रेट क्या करेंगे नॉट नोन और कॉम्प्लिकेटेड दिस प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिकल कॉडरेचर ये वर्ड भी आप याद रखिए देखिए बेसिक्स से बात करें स्टार्टिंग से बात करें डेफिनेशन की तो यू नो वेरी वेल इफ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स From जीरो टू वन दिस एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड इंटीग्रेंट इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना तो ये एक्स क्यूब अपॉन थ्री लिमिट लगा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं ये आपको पता है लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होगा कि आप जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो हम इंटीग्रेशन का इवेल्यूशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितने क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही होंगे जिसमें आपको लिमिट दी होगी तो लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहली बात दूसरा जो भी इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे वो इंटीग्रेशन ट्वेल्थ वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे हम अलग अलग जैसे सैमसन रूल है ट्रेपिजॉयल रूल्स हैं तो इनसे हम इन न्यूमेरिकल्स इन इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन uh, करेंगे अलग अलग फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा और uh, जो फार्मूला है वो फॉर्मूले में क्योंकि स्टार्टिंग आपको न्यूटन फॉरवर्ड फॉमूले से करनी है तो वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हुए लेके चलेंगे तो होगा कि अगर मैं बात करूँ एफ एक्स डी एक्स एक इंटीग्रेंड एफ एक्स कोई फंक्शन है इसको आपको इंटीग्रेट करना है ए से बी में तो इसका मतलब यह है अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है कि ये एक्स एक्सिस हो गई वाई एक्सिस हो गई सपोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज़ लाइक दिस ये एफ एक्स का जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसका ग्राफ आपने ड्रा किया सपोज एक्स इक्ल टू ए ये पॉइंट है एंड द पॉइंट एक्स इक्वल टू बी इज दिस पॉइंट तो आपको क्या करना है अगर इसको इंटीग्रेट करना है ए से बी में तो ए ये हो गया बी ये हो गया सो द इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्राम ए टू बी रिप्रेजेंट्स द एरिया ये एरिया जो आएगा ये एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या इंटीग्रेशन तो ये जो इवेल्यूशन हम करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल क्वाड्रेचर बोलते हैं और मैकेनिकल क्वाड्रेचर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमको फॉर्मूला डेरिवेशन हमको करना है उसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फॉर्मूला है अ जनरल क्वाडरेचर अ जनरल क्वाडरेचर फॉर्मूला और न्यूटन चर फॉर्मूला क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखिए जो ये क्वाड्रेचर फॉर्मूला डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं एक तो न्यूटन फार्मूला जो फॉरवर्ड फॉर्मूला है उससे स्टार्ट करेंगे इसको और दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हम आगे फार्मूले पढ़ेंगे चाहे वो ट्रेपीजॉर्डल हो सिमसन्स वन थर्ड हो सिमसन्स थ्री बाई एट रूल हो वो सारे फॉर्मूले जो स्टार्ट होते हैं वो इस क्वारिचर फॉर्मूला से ही आगे फिर स्टार्ट होंगे तो ये जो आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आगे के वीडियोज़ के लिए आगे के वीडियोज़ हम इसके जो ये डेरीवेशन हम करेंगे इस डेरीवेशन का यूज़ करके आगे हम फिर सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं पहले मैं दो लाइन्स लिख ले रहा हूं लेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज द इंटीग्रल इज द इंटीग्रल टू बी इवेल्यूएटेड अब आप देखो हम क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं लेट इज डिवाइड ट डिवाइड क्लोज इंटरवल को भी जो इंटरवल जिस लिमिट uh, में आपको उसको इंटीग्रेट करना है वो एक क्लोज इंटरवल जो है उसको हम एन सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं सब इंटरवल्स ईच ऑफ इक्वल लेंथ देखो हम क्या कर रहे हैं जो आपको जो भी जैसे इंटीग्रेशन वन टू टू दिया है इंटीग्रेशन टू टू थ्री दिया हुआ है तो उसका जो क्लोज इंटरवल है उसका पार्टीशन करते हैं आपने रियल एनालिसिस में पार्टीशन वर्ड सुना होगा तो हम क्या करते हैं ये जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है इसको छोटे छोटे एन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो सारे के सारे जितने सब इंटरवल होंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लोज इंटरवल एक और भी है तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं एन पार्ट्स में तो इनको एन पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो सपोज जो इंटरवल्स की लेंथ है वो क्या है एच है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर इसको एन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन सपोज वी हैव टू डिवाइड दिस क्लोज इंटरवल इनटू फोर पार्ट्स तो आप एन की जगह पे क्या रख दोगे फोर रख दोगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एन की जगह पे थ्री रख दो तो so, ये uh, जो इंटरवल है उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और सबकी लेंथ क्या होगी इक्वल होगी तो so, एच की वैल्यू हमने ये ले ली अब लेट जो ये हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहला पॉइंट जो ये ए है इसको हमने एक्स नॉट ले लिया आपने पार्टीशन में पढ़ा होगा दूसरा यहां पे एक्स वन तीसरा एक्स टू इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया तो लेट ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एन इज इक्वल टू बी बी द पॉइंट्स ऑफ डिविजन डिवीजन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमर बी तो दे वी हैव अगर मैं इससे इसको माइनस करूं x1 वन माइनस एक्स नॉट फिर मैं x2 से x1 को माइनस करूं तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जो सब इंटरवल्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं तो सारे के सारे जो ये लेंथ आएंगी ये सारे इक्वल्स होंगे x3 थ्री माइनस एक्स टू एंड सो ऑन एंड द लास्ट वैल्यू विल बी एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन और ये जो हर एक सब इंटरवल का डिफरेंस हमने निकाला है ये सारे के सारे सब इंटरवल क्योंकि इक्वल लेंथ के थे तो ये सब क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे अब और अगर मैं यहां से देखिए ये जितने भी सब इंटरवल मैंने लिए हैं इन सब इंटरवल को हमने पहले क्या किया है एन सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है और उनकी लेंथ हमने लिए है एच इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हम उसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा सब इंटरवल्स जो है हमने इस तरीके से मान लिए अब मैं बात करूँ एक्स वन की तो एक्स वन की अगर मैं बात करूँ देखिए ध्यान से देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ ये एक्स नॉट था ए फिर ये एक्स वन था फिर एक्स टू था एक्स थ्री था ऐसे करके लास्ट में एक्स एन आ जाएगा एक्स एन माइनस वन आ जाएगा और सभी जितने भी हमने सब इंटरवल लिए इनके सबके लेंथ के लिए हमने एच ली है, ली है? है, है इक्वल लेंथ है तो अगर मैं बात करूँ मुझे एक्स वन निकालना तो एक्स वन कैसे मिल जाएगा मुझे एक्स नॉट में अगर मैं एच ऐड करूँगा तो मैं एक्स वन पर पहुँचाऊँगा तो एक्स वन इक्वल टू कितना हो गया एक्स नॉट प्लस एच मुझे एक्स टू निकालना है तो एक्स टू निकालने के लिए एक्स नॉट में कितना ऐड करना पड़ेगा टू एच एक्स नॉट प्लस टू एच एक्स थ्री कितना हो जाएगा एक्स नॉट प्लस थ्री एच एंड सो ऑन और लास्ट वेल्यू क्या हो जाएगी एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच और एक्स नॉट प्लस एन एच का मतलब आप लास्ट पॉइंट एक्स एन पे पहुंच जाओगे और ये वैल्यू क्या है बी है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बी बन जाएगी अब हम क्या करेंगे देखिए क्योंकि हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं और इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली यूज़ करके नहीं निकाल रहे हैं तो वो जो फंक्शन है इंटीग्रेंट है वो क्या है एफ एक्स है अब ध्यान से समझिए आप इस इंटीग्रेशन को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है ए से लेके बी तक तो ए से लेके बी तक जो है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और जब डिवाइड किया तो होगा क्या इस फंक्शन एफ एक्स में एक्स के जगह पे एक्स नॉट अगर मैं रखूंगा तो मुझे एक फंक्शन की वैल्यू मिलेगी लेट दिस वैल्यू इज वाई नॉट फिर मैंने एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पे एक्स वन रखा तो मुझे फंक्शन की दूसरी वैल्यू मिलेगी लेट दिस वैल्यू इज़ वाई वन इसी तरीके से जो वैल्यूज़ हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वो मैंने ये मान ली वाई नॉट वाई वन वाई टू अप टू वाई एन बी द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एट द पॉइंट्स एक्स नॉट, एक्स वन एक्स टू एक्स एन रेस्पेक्टिवली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फंक्शन है इसमें हमने एक्स की जो ये छोटे छोटे हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखी और जो फंक्शन की वैल्यूज आई उनको वाई नॉट से लेकर के वाई एन तक हमने मान लिया अब हम आते हैं न्यूटन का जो फॉरवर्ड फॉर्मूला आपको आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा होगा उस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला बाय न्यूटन forward difference formula, Kya tha? y equals to y naught plus u del y naught plus u u minus 1 upon 2 factorial del square y naught. इनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू बाइन नॉट एंड सोहन ये न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है जो आई होप आपने पढ़ा होगा इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं अब हम बात करें जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है u इज इक्वल टू अगर हम बात करें वैल्यू होती थी x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच ये न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला है अब अगर मैं इसको u को डिफ्रेंशिएट करूं तो डिफ्रेंशिएट करके क्या बन जाएगा ये du और x का डिफ्रेंशिएशन वन h कांस्टेंट है तो h ऐसे रहेगा और एक्स नॉट क्या है एक फिक्स्ड वैल्यू है तो ये भी एक कॉन्स्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन इसका जीरो हो जाएगा ये आ जाएगा यानी कि dx इक्वल्स टू कितना हो गया एच डी यू न्यूटन फॉर्वर्ड फॉमूला जहाँ यू की वैल्यू ये होती थी इसको डिफ्रेंशेट किया और आपने ये रिलेशन निकाल दिया तो हमने मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको रिविजन करवा दूँ ये इंटीग्रेंट था इसको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट करने के लिए ये जो क्लोज इंटरवल था इसको एन पार्ट्स में डिवाइड किया एंड सब इंटरवल्स में और उसके बाद एक्स की वैल्यूज आपने रखी फंक्शन में तो एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे जो फंक्शन की वैल्यूज आई आपने वो ये मान ली अब हम आए फारवर्ड फॉमूला में फॉरवर्ड फार्मूला में ये न्यूटन का फॉरवर्ड फॉमला है इससे हमने रिलेशन निकाला अब हम बात करें व्हेन एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट जब एक्स एक्स नॉट के इक्वल होगा तो जो इनिशियली यू होगा यहां देखिए अब एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यू एंड व्हेन एक्स की सबसे लास्ट वैल्यू क्या ली थी हमने एक्स नॉट प्लस एन एच एक्स नॉट प्लस ये वैल्यू ली थी जो अगर मैं x की ये वैल्यू यहां रखूँ तो x नॉट फिर से कैंसिल हो जाएगा nh एच अपॉन एच तो ये लास्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी देन u इक्वल टू कितना आ जाएगा nh एच अपॉन एच यानी कि h भी कैंसिल हो जाएगा देन u इज इक्वल टू एन आ गया दे अब हम बात करें एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ ए से बी एक वैल्यू क्या थी एक्स नॉट थी और बी वैल्यू क्या थी एक्स नॉट प्लस एन एच तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये y की जगह पे एफ हो गया इसी फॉर्मूले में आप ये समझिए कि जो y है उसकी जगह पे एफ रख दिया y नॉट यह हो जाएगा एफ़ एक्स नॉट इस तरीके से ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ में आपने दोनों साइड क्या कर दिया है इंटीग्रेशन कर दिया है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा और इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें क्योंकि राइट साइड में मैं जो डी है यहाँ देखिए आप ये जो फंक्शन है यू का फंक्शन है तो यहाँ जो इंटीग्रेंड आएगा वो उसके साथ आएगा डी एक्स ना करके के डी यू इस डी यू को अगर हम लेंगे तो लिमिट भी हमको यू की लेनी पड़ेगी और यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है जीरो से लेकर के एन तक तो यहाँ आ जाएगा जीरो टू एन ये समझ लूंगा यहाँ एक्स की लिमिट और यहाँ यू का फंक्शन होने की वजह से यू की लिमिट तो फॉर्मूला क्या था वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नाट प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नाट प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई नाट एंड ऑन और डी एक्स ये तो हमने एफ़ेक्स की जगह पे पूरी वैल्यू रख दी ये पूरा एफ एक्स देखिए ये वाई क्या था एफ एक्स है तो लेफ्ट साइड में क्या है एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू मैंने रख दी इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन लिमिट हमने एक्स की यहाँ लगाई है यहाँ और यू की लगाई है और एक्स डीएक्स और डी यू में क्या रिलेशन था डीएक्स क्या बन जा रहा है एच डी यू तो यहाँ कितना आ जाएगा एच डी यू बस ये स्टेप सबसे मेन है इसमें अब हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या करना है इसमें लिमिट अप्लाई करनी है और लिमिट क्या है जीरो टू एन एच वाई नॉट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यू हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू इसका इंटीग्रेशन डेल वाई नॉट वन बाई टू फैक्टोरियल ऐसे करते हुए हम इन सबको इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में यू के रेस्पेक्ट में अगला टर्म हो जाएगा आपका ये यू स्क्वायर है यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन यू क्यूब अपॉन थ्री माइनस माइनस यू का यू स्क्वायर अपॉन टू डेल स्क्वायर वाई नॉट फिर अगले टर्म का इंटीग्रेशन तो ये है वन बाई थ्री फैक्टोरियल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यू फोर अपॉन फोर माइनस थ्री यू क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू यू स्क्वायर अपॉन टू डेल स्क्वायर डेल क्यूब सॉरी डेल क्यूब वाई नॉट फिर अगले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे वन बाय फोर फैक्टोरियल यू फाइव अपॉन फाइव माइनस सिक्स यू फोर अपॉन फोर प्लस इलेवन यू क्यूब अपॉन थ्री माइनस सिक्स यू स्क्वायर अपॉन टू डेल फोर वाई नॉट एंड सो ऑन ये हमने जो इंटीग्रेशन था उसको इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या है जीरो टू एन लिमिट अप्लाई कर दी अब लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन करना है और सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद आपको जो कॉड्रिशल फार्मूला है वो फार्मूला मिल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका H लिमिट लगानी है हमको n तो u की जगह पे n आ जाएगा n y नॉट पहले हायर लिमिट लगाएंगे तो सब में u की जगह पे n आ जाएगा और जैसे आप लोअर लिमिट लाओगे तो क्योंकि लोअर लिमिट जीरो है तो सारे यू वाले टर्म जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हायर लिमिट में ही सर्वाइव करेगा लोअर लिमिट में सर्वाइव नहीं करेगा तो एन स्क्वायर अपॉइन टू डेल वाई नाट वन बाई टू फैक्टोरियल एन क्यूब अपॉन थ्री माइनस एन स्क्वायर अपॉइन टू डेल स्क्वायर वाई नाट प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एन के पावर फोर अपॉन फोर माइनस इसमें थ्री कैंसिल हो जाएगा ये एन क्यूब प्लस टू भी कैंसिल हो गया एन स्क्वायर डेल क्यूब वाई नॉट प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल एन की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो थ्री बाई टू बन जाएगा थ्री बाई टू एन फोर प्लस इलेवन बाई थ्री एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर डेल फोर वाई नोट एंड सोन आप चाहें तो आगे इसकी जो वैल्यूज हैं डेल की पावर फाइव की वैल्यू भी निकाल सकते हैं तो ये जो हमने निकाला ये इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स तो विच इज द रिक्वायर्ड क्वारिचर फॉर्मूला ये न्यूटन कोड्स का क्वारिचर फॉर्मूला है अब आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देख करके ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन कैसे निकल पाएगा इतनी बड़ी वैल्यूज में तो एक्चुअल में जो न्यूटन कोड्स का जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है इसके बाद सबसे पहला फॉर्मूला आता है ट्रेपिजॉयडल का ट्रेपिजॉयडल जो फॉमूला है जो ट्रेपिजॉयडल रूल है इंटीग्रेशन का उसने क्या किया हमने क्या किया था देखिए स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो हमने इसको एन पार्ट्स में डिवाइड किया था एन सब इंटरवल में तो ट्रेपी ने क्या किया एन की वैल्यू वन रख दी एन की वैल्यू वन रखने का मतलब क्या है कि जो उसने ट्रेपी ने किया एन की वैल्यू वन रखने का मतलब एक इंटरवल में मतलब उसको दो छोटे सब इंटरवल में डिवाइड किया ऐसे सिम्सन ने आ, वन थर्ड और थ्री बाई एट रूल किया तो इन सब ने क्या किया हमने यहाँ पर एन इंटरवल्स सब इंटरवल्स में डिवाइड किया इसने आ, अलग अलग एन की वैल्यू रखी तो अलग अलग एन की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो होगा क्या हमको इस इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग फॉर्मले हमको मिलते रहेंगे तो इन्होंने सिर्फ यही चेंज किया कि न्यूटन कोर्ट्स फॉर्मला जो था उसी को आगे उन्होंने एक्सटेंड कर दिया एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए और एन क्या है एन है जो सब इंटरवल है उन सब इंटरवल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है मैं आगे के वीडियोज में भी बताऊँगा कि आपको जितने आपने ये फॉर्मूले पढ़ने हैं कौन सा फॉर्मूला कौन सा जो फॉर्मूला क्वारिचर का फॉर्मूला आगे एक्सटेंड करने के बाद सबसे एक्यूरेट आंसर दे रहा है उसको भी आपको ध्यान में लेके चलते है। चलना है यहाँ पे तो फिलहाल हमने आज जो फॉर्मूला किया वो था जनरल क्वारिचर फॉर्मूला क्या किया था हमने इस सब इंटरवल को एन पार्ट्स में डिवाइड किया सब इक्वल लेंथ के थे एक्स जो हमने डिवीज़न किया था उनके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ हमने ली वाई की फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और जो फॉर्मूला था उससे हमने एक्स और यू में कन्वर्जन किया और उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमको जो कॉर्ड्रिचर फॉमूला है वो फॉमूला मिल गया ट्रेपी ने एन की वैल्यू वन रखी तो ये फॉर्मूला आपको अलग मिल जाएगा आगे के वीडियो में देखेंगे उससे फिर हम देखेंगे कि हमको आ, कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटीग्रेशन करना है वन टू टू कोई भी एक फंक्शन देरिया एक स्क्वायर डी एक्स तो इसमें अगर हम बात करें ए की तो वन है बी टू है तो इंटरवल वन टू अब एन की वैल्यू हम कितने ले रहे हैं हम इस इंटरवल को कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉमूला लगाना है वो फॉमूला कैसे लगाना है हम आगे देखेंगे तो आप इस डेरिवेशन को तैयार कीजिए और जल्दी ने, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा